Hello and welcome back. In the previous video, we discussed about federalism and how the creation of states have been made on the basis of language we had discussed. Now we are going to discuss about the linguistic states which had been created during the post-independence period. स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. इससे पहले कुछ क्विज है, जैसा कि इन पोखरा एंड द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट? द आंसर इज क्लियरली नो, बिकॉज न्यूक्लियर पावर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग. इन द सेकेंड इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक. इन दैट केस, डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दिस टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च्ड? दिस आंसर इज ऑल्सो क्लियरली नो, बिकॉज एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट. देर आर टू लेवल्स ऑफ स्कूल्स, one for the state and another for the union. Suppose, for example, Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas, they are union government schools, whereas the state government school are also running parallel to the union government schools. So the state government can make its own syllabus as per its convenience, but that should not be against the national integration. It is the principle. And third is, suppose the Chief Minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa have different policies on how their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all Chief Minister will have to obey? The answer is no. But nowadays what happens, due to internal security of India, which is also the part of the role of Union Government, Union government can give suggestions, if not directives. अगर दिशा निर्देश नहीं है तो वो सुझाव दे सकता है. आजकल ये नक्सल दमन के लिए जो जो राज्य नक्सल प्रवण है वो राज्य इकट्ठे होते हैं और यूनियन होम मिनिस्टर जो है केंद्र गृह मंत्री इस मामले में अध्यक्षता करते हैं और ये राज्य को किस प्रकार नक्सल को मुकाबला करना है इसके लिए वो दिशा निर्देश कुछ देते हैं, सुझाव देते हैं, जो सुझाव भी काम में आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्लान होने से वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे. लक्ष्य ये होता है कि किस प्रकार नक्सलवाद को दमन किया जाए, जो कि भारत के आंतरिक जो शांति और स्थिरता के लिए एक बाधक है. ये जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा कुछ रेसिडुअरी पावर्स है. रेसिडुअरी पावर का मतलब कुछ बचा हुआ क्षमता है जो कि ये तीन लिस्ट में नहीं है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में जो नहीं है उसको रेसिडुअरी पावर कहते हैं. ये रेसिडुअरी पावर भारत में, भारतीय राष्ट्र संघ व्यवस्था में केंद्र को दिया गया है कि केंद्र रेसिडुअरी पावर के अंतर्गत अपना कानून बनाएगा. जैसा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संविधान को अधिग्रहण किया गया था, उसी समय में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी कानून नहीं था. बाद में कंप्यूटर आया और उसके ऊपर साइबर लॉज बने, इसीलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कानून बनाना है, ये बनाने का काम जो है ये केंद्र को जाता है. ये भारत का मैप है, मानचित्र है, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मेनी न्यू स्टेट्स हैव फॉर्मड, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर. States were created on the basis of culture, ethnicity, and geography. And it has made the country united and administration made easy. So if states should be created in a holding together type of federation, holding together type of federation में अगर राज्य को बनाना है तो किस आधार पर बनाना? ये आधार है भाषा. भाषा के आधार पर जो राज्य बने हुए हैं, जैसा कि उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये क्षेत्रीय विविधता पर बनाया गया है. लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इफेक्ट पहले हमारा जो भारतीय नेता है, भारतीय
प्रधानमंत्री चाहे हो या गृह मंत्री हो, ये सब डरते थे. व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. क्योंकि आप लोगों को भलीभांति मालूम है कि भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, जब देश स्वतंत्रता या आजादी प्राप्त की. इसी समय क्या हुआ था कि जो देश आजादी प्राप्त की, भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया. इसीलिए भारत के तत्कालीन जो राजनेता थे, जो अधिकारियां थे, वो सोचे कि अगर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब वो राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होने के लिए दावा उठी, ये दावा पहले उठी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए, जिसमें पुट्टी श्रीरामलु 58 दिन की अनशन के बाद अपना देह त्याग दी, तब से ये आंदोलन जोरदार हुए. तो भाषा के आधार पर राज्य बनाने के जो मामला था, जो दावा था, इसको पहले हमारा भारतीय राष्ट्र स्तर के जो नेता थे वो खारिज करते थे, क्योंकि उनका डर था शायद भारत का विभाजन फिर हो जाए. दे फियर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इफ स्टेट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो many of the leaders of the central government, they resisted the linguistic stress for some time, but the experience has shown, ab ye proof hota hai ki bhasha ke aadhar par jo rajya banana vastav mein bharat ko disintegrate nahi kiya, rather ye bharat ko ekatth karne mein madadgar sabit hue. hamara bharat mein dusri cheez hai jo ki hamara rashtrasangh vyavastha ko kayam karne mein aur bhi सहायक सिद्ध साबित होता है, वो है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति. हमारे भारत में आप लोगों को मालूम है कई सारे भाषा बोले जाते हैं, लेकिन कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है. और ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी हिंदी भाषा को, जो नॉन हिंदी एरिया वाले स्टेट्स है, जैसे कि साउथर्न इंडियन स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट्स, उसमें जबरदस्त इम्पोज नहीं कर सकता है. भारत में आज संविधान में 22 भाषाओं को सरकारी भाषा का मान्यता दिया गया है. ये भाषा का नियम था हमारा संविधान जब लागू हुआ था कि 1965 तक अंग्रेजी को हटाया जाएगा, लेकिन अब तक भी अंग्रेजी को हटाया नहीं गया. अंग्रेजी अब तक भी लिंक लैंग्वेज है. इंग्लिश हैज बीन क्लासिफाइड एज द लिंक लैंग्वेज बिटवीन द सेंटर स्टेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंटर एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स. So center agrees to use English along with Hindi. By this flexibility, it is shown that the central government wants to make the fabric of federalism strong, so that no language has been made as the sole national language, unlike Sri Lanka. आप लोगों को मालूम है श्रीलंका में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया है. इसी कारण जो तमिल लोग थे, जो चाहते थे उनका भाषा भी सरकारी भाषा बने, वो नहीं हो पाए, इसीलिए उन्होंने भी आंदोलन कर दिया और सिविल वार शुरू हो गया वहां. सो भारत में एक विचार आता है, तर्क आता है, डिबेट होता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन हिंदी वास्तव में 40.2% लोग बोलते हैं, और अगर पूरा मिलाया जाए तो 50% से भी कम लोग का भाषा हिंदी होता है. तो इस स्थिति में कोई भी भाषा को नहीं, बल्कि पूरे 22 भाषाओं को बनाया गया है शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन होता है, तो कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी में दूसरे पेपर आते हैं, और वो भी चूज कर सकता है कोई भी एक लैंग्वेज आउट ऑफ द 22 लैंग्वेजेस. सो इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी भाषा हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन राज्य भाषाएं, सरकारी भाषा 22 भाषाएं हैं. राज्य अपना अपना सुविधा के अनुसार अपना भाषा को चुन सकते हैं. स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा कि उड़ीसा स्टेट का लैंग्वेज उड़िया है, तमिलनाडु स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है. मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. जो राज्य का भाषा जो है, उन्होंने उसी प्रकार अपना भाषा को व्यवहार करते हैं. हमारा भारत में ये जो चित्र दिया गया है, जो डाटा दिया गया है स्टैटिस्टिक्स, इसमें इसी प्रकार है. अभी ये परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ये पुराना डाटा है, अब डाटा परिवर्तन हो गया क्योंकि जनसंख्या या आबादी
की बढ़ोतरी होती है, आबादी की बढ़ोतरी के साथ साथ ये भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या भी बढ़ जाता है। तो सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे बने रहता है हमारा राष्ट्र संघ शासन व्यवस्था में, तो केंद्र तथा राज्य के बीच जो संपर्क है ये सुपरियर सबॉर्डिनेट मतलब अधिकारी तथा उसके जो अधीन में रहने वाले के बीच संपर्क होता है या समरूप संपर्क होता है, इक्वल रिलेशनशिप। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। हमारा भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जिसको बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, राज्य में संविधान तंत्र की विफलता से उत्पन्न स्थिति में राष्ट्रपति अपने आपातकालीन क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। यह व्यवस्था संविधान में है। तो यह व्यवस्था जो है, पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार जिन जिन राज्य में उनकी दल का राज्य सरकार नहीं होते थे, केंद्र सरकार अपना मनमाने ढंग से धारा 356 का दुरुपयोग किया। कई बार भी सुप्रीम कोर्ट में इसी मामला को लेकर जो राज्य बाधित हुए वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिकाएं दायर की। तो बहुत सारे कॉम्प्लेन ऐसा चलता रहा। धीरे 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 धारा 356 का जो यूज अभी बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया ना, पहले केंद्र में बहुत साल तक एक राजनीतिक दल का शासन चलता था, इसीलिए जो राज्य में वही राजनीतिक दल का शासन नहीं होता था वो वहां पर अपना शासन को कायम करने के लिए सरकार को धारा 356 लगाकर भंग कर देते थे। लेकिन अब हालत ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो गया है, क्योंकि केंद्र में कोई एक ही दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत साल 1990 के बाद ये देखा गया, कोअलिशन गवर्नमेंट बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। बहुत सारे दल मिलकर गठबंधन का सरकार बनाते हैं तथा सत्ता की साझेदारी में अपना भाग लेते हैं। सो इसी प्रकार हमारा भारत में अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल रहा है, ये समवाय राष्ट्र संघ व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि व्हाट ब्रॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म को या राष्ट्रसंघ व्यवस्था को सक्सेस करने में कौन सी चीज सहायक सिद्ध साबित हुए ना, नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। भारत में लोकतंत्र की जो धरोहर है बहुत मजबूत है, उसकी नींव बहुत मजबूत हो गया है स्वतंत्रता के पश्चात और हमारा संविधान लागू होने के बाद। कभी भी लोकतंत्र से भारत अलग नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को सम्मान है लोगों के द्वारा तथा राजनीतिक दल के द्वारा। लोग चाहते हैं भारत में इकट्ठे होकर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भारतीय भाई भाई, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन। ये जो विचारधारा, ये जो सर्वभारतीय चेतना है, ये हमारा राष्ट्रसंघ व्यवस्था को सफल करने में सहायक सिद्ध होता है। तब क्या होता था, देखिए एक कार्टून बनाया गया है, इसमें पावर शेयर होता था और स्टेट्स जो है ये अपने अपने कटोरे पकड़कर प्रधानमंत्री के पास जाते थे कि हमको कुछ क्षमता दीजिए। लेकिन अब क्या है कि कोअलिशन गवर्नमेंट में ये जो गठबंधन की सरकार में जो प्रधानमंत्री बनते हैं, विभिन्न दल उनका नीम डालते हैं या खड़ा करते हैं जिसके ऊपर वो बैठते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनके बात नहीं सुनेंगे तो वो अपना अपना नीम वहां से हटा लें, अगर हटा देंगे तो कभी भी सरकार नहीं रह पाएगा। तो कोअलिशन गवर्नमेंट में राज्यों का अधिकार धीरे धीरे वापस आ गया है। ये देन एंड नाउ तब तक क्या था और अब क्या है, ये एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। तो आप एक चीज भी आलोचना करना, यहां चर्चा करना जरूरी होता है, व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म क्या है। हम चर्चा कर चुके हैं सेंट्रल मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। तो ये होता था, केंद्र सरकार राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो बहाना ढूंढते हैं, वो बहाना था कि उनका दल वहां पर शासन नहीं करता था, तो उन्होंने कोई भी बहाना ढूंढ के धारा 356 लगा देते थे और सरकार को भंग कर देते थे, जो कि आज नहीं हो रहा है। कोअलिशन गवर्नमेंट लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ये कोअलिशन के कारण मैं बताया कि कभी भी अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में दखल अंदाजी नहीं करता है।
अब इसके बावजूद केंद्र और राज्य के अंदर जो सत्ता का आवंटन के बाद और एक स्तर का डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण होता है, व्हेन पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा ये राष्ट्र सभा व्यवस्था में आप लोगों को मालूम है केंद्र तथा राज्य सरकार रहता है, लेकिन केंद्र तथा राज्य सरकार रहने के बावजूद भी और एक स्तर बनाया गया है जिसको स्थानीय स्तर या लोकल लेवल कहा जाता है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि भारत एक विशाल राष्ट्र है, सिर्फ केंद्र तथा राज्य सरकार काम करने से भी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको सुलझा नहीं सकते हैं। इसीलिए ड्यू टू द वास्टनेस इन साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द इंटरनल डाइवर्सिटी एंड टू शेयर पावर टू दी ग्रास रूट लेवल ऑल्सो, सत्ता के साझेदारी समाज के सबसे निम्न क्षेत्र पर भी होना चाहिए ताकि लोकतंत्र सफल हो, इसीलिए ये लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है। इसका माने आइडिया क्या है, इसका मोटो क्या है? ना सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर बहुत सारे समस्याओं का सुलझाना आसान कर देगा प्रशासनिक कार्य को। पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकैलिटीज, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में जो प्रतिनिधियां काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे, वो स्थानीय समस्या के बारे में भली भांति जानते हैं। बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स इफिशियंटली, ये जो मैनेजमेंट करना लोकल स्तर में ये बिल्कुल अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए ये होता है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, लोग निर्णय लेने में अधिकारी होते हैं और भागीदारी बनता है। टू रियलाइज वन इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था गुड गवर्नमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, अर्थात जितना भी अच्छा सरकार हो स्थानीय सरकार का कभी विकल्प नहीं हो सकता। इसका मतलब यह होता है कि स्थानीय सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है। तो इसको प्रूव करने के लिए महात्मा गांधी ने बोला था कि दिस स्टेट शुड फॉर्म, दिस स्टेट शुड मेक विलेज पंचायत फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसी को नींव मानते हुए हमारा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भारत में बनाया गया पंचायत राज और नगर पालिका व्यवस्था। ये व्यवस्था होने के बाद भारत में ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर पंचायत राज व्यवस्था काम किया और शहरों में नगर पालिका व्यवस्थाएं काम करने लगे। आज भारत में सैकड़ों पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और सब राज्यों में करीबन ये व्यवस्था लागू हो गया है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका व्यवस्था को लागू किया गया। नाउ इसमें क्या क्या चीज है? ना इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट, हमारा 1992 की कानून अंतर्गत संविधान में दो शेड्यूल जो है जोड़ा गया है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। और इसमें क्या हुआ कि जो स्थानीय क्षेत्र में इलेक्शन करना मैंडेटरी है, उसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और एससी एसटी के लिए है, महिलाओं के लिए एक तिहाई जो स्थान है वो भी आरक्षण के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पर बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन निर्वाचन को नियंत्रित करता है, एक अलग इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि सिर्फ पंचायत राज व्यवस्था के निर्वाचन को मैनेज करेगा। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम ऑफ द पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज, सत्ता के कुछ साझेदारी होता है तथा जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो राजस्व का कुछ हिस्सा भी स्थानीय सरकार को दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह काम कर सके। हमारा ये जो पंचायत राज है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें तीन स्तर है, थ्री टायर है। एक है विलेज लेवल ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम सभा का निर्माण होता है, सरपंच उसका मुख्य होते हैं तथा वार्ड मेंबर और लोग मिलकर ग्राम सभा बनता है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट की भांति काम करता है। दूसरा लेवल है जो मिड लेवल है, मिडिल लेवल, इसको बोलते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक।
इसमें हर पंचायत से समिति सभ्य जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं, वो ब्लॉक के लिए निर्णय लेते हैं और इनका कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होते हैं बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसका अध्यक्ष होते हैं इनमें से जो पंचायत से मेंबर इलेक्टेड होकर आते हैं उनमें से, उन्होंने एक चेयरपर्सन बनाते हैं जिनको बुलाता है ब्लॉक चेयरपर्सन अध्यक्ष पंचायत समिति। थर्ड या लास्ट लेवल जो है वो है जिला परिषद। हर पंचायत क्षेत्र से और कुछ पंचायत को लेकर जिला परिषद मेंबर निर्वाचित होते हैं और ये जिला परिषद में रहते हैं हमारा वो जिला परिषद के सदस्य तथा एमएलए और एमपीपी उसका मेंबर रहते हैं, एक कमेटी वो बनाते हैं, जिला परिषद का भी एक चेयरमैन रहते हैं और उनका कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी जो है कलेक्टर होते हैं। और टाउन्स और बिग सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इसका हेड होता है, और बिग सिटीज के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इसका हेड मेयर होता है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अच्छाई या क्या है, गुण क्या है ना, दी न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज पूरे दुनिया में हमारा ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम एक्सरसाइज होता है, जो व्यवस्था को कायम किया गया है, ये दुनिया में अनोखा है। अब 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियां पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कार्य करते हैं जो कि लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए हैं, जो कि लोगों के आंचलिक क्षेत्र से है, मतलब दी 36 लाख लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ देयर ओन लोकल एरिया एंड द पीपुल नो देमसेल्व्स वेरी वेल। सो डेमोक्रेसी इज गोइंग टू द ग्रास रूट लेवल। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब 36 लाख जो निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियां हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों का जनसंख्या से भी ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। आप जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या स्ट्रक्चरल चेंज होता है, फॉर्मेशनल चेंज होता है, जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर लोकतंत्र को कायम करना, और दूसरा है डेमोक्रेसी को संप्रसारित करना, मतलब एक्सपांड करना, और तीसरा है डेमोक्रेसी को डीपन करना, उसको गहरा करना। ये गहरा करने में हमारा सबसे निचला स्तर जो है ग्रास रूट लेवल है, तृणमूल स्तर है, वहां पर लोकतंत्र को कायम करना ही वास्तव में लोकतंत्र की सफलता का द्योतक होता है। हम नाप सकते हैं कि लोकतंत्र कितने हद तक सफल है जब हम लोकतंत्र को डीपन करते हैं या गहरा करते हैं, तो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसमें हमको मदद करता है। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। ये महिलाओं का अधिकार का भी सुरक्षा करता है, क्योंकि महिलाओं को सत्ता में साझेदारी मिलता है। आज हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायत राज और नगर पालिका में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित करके रखा गया है, आरक्षण करके रखा गया है, उसका लाभ वो लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन डिफिकल्टीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत समय पर ग्राम सभा के इलेक्शन रेगुलरली नहीं होता है, और बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकार जो है कुछ सत्ता के साझेदारी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं करते हैं। ये ब्राजील का एक उदाहरण दिया गया है पोर्ट अलेग्रे में, वो किस प्रकार पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा अपना स्थानीय समस्या को सुलझाए हुए हैं। इसमें 13 लाख लोग जो है वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं उन डिसीजन मेकिंग, किसमें ना अपना बजट बनाने में और किस प्रकार खर्चा करेंगे, ये लोगों के साझेदारी से, भागीदारी से, सत्ता के साझेदारी या सत्ता की भागीदारी भी संभव होता है। तो आज लोकतंत्र में राष्ट्र संघीय व्यवस्था एक बेहतरीन व्यवस्था है। तो धन्यवाद, और इसकी आधारित ये विषय आधारित जो प्रश्न है वो मेरा अगले वीडियो में दिया जाएगा, और आप लोग देखते रहिए और मेरा चैनल दुर्गाचरण नंद सोशल साइंस गुरुजी को सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।